मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बानावीरा गांव में महिलाएं ही महिलाओं की दुश्मन बन गई हैं। शनिवार की शाम बानावीरा बाजार में छत्तीसगढ़ से आई दो महिलाओं पर खरीदारी करने आई तीन महिलाओं ने चोरी का आरोप लगाया। धीरे धीरे भीड़ जुट गई। इसी दौरान आरोपी महिलाओं ने दोनों महिलाओं को पकड़कर उनके बाल काट दिए। पीड़ित रोती रही बिलखती रही पर मौजूद भीड़ ने उनकी एक न मदद की। घटना की सूचना के बाद एसपी डॉक्टर शम्स तबरेज ने कहा कि जिसने भी किया है वह गलत किया है और उस पर कार्रवाई होगी। फिलहाल आरोपी महिलाएं पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर सिमडेगा है। छत्तीसगढ़ से रोजाना ही लोगों का सिमडेगा में आना जाना लगा रहता है। शनिवार को बानावीरा में बाजार लगा था, वहीं छत्तीसगढ़ की तीन महिलाएं आई थी। इनमें से दो के गोद में छोटे बच्चे भी थे, जबकि बाजार में खरीदारी करने आई तीन महिलाएं एक होटल में खाना खा रही थी। आरोप है कि छत्तीसगढ़ से आई महिलाओं ने होटल में खाना खा रही महिलाओं में से एक का पर्स चोरी करने का प्रयास किया, पर वो पकड़ी गई। इसी बीच छत्तीसगढ़ से आई महिलाओं में से एक भाग निकली, जबकि गोद में बच्चे लिए दो को लोगों ने पकड़ लिया। इसके बाद वहां भीड़ जुट गई। चोरी के आरोप में लगाने वाली तीन महिलाओं ने उनकी चप्पल से पिटाई शुरू कर दी और कैंची से उनके बाल काट दिए। इस दौरान भीड़ में मौजूद पुरुषों ने भी उनका साथ दिया। इधर घटना की सूचना के बाद मुफस्सिल थाना प्रभारी अरविंद कुमार पुलिस टीम के साथ बाजार पहुंचे और दोनों पीड़ित महिलाओं को थाना ले आए। यहां अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर बरामद वीडियो के आधार पर पुलिस आरोपियों की पहचान में जुट गई है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली देश विदेश की खबरें आपको मिलती रहे। स्वदेश वाणी।